तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की सेकंड वीडियो को और बात करते हैं एक बहुत ही अच्छे गार्ड डॉग के बारे में, जो है पिटबुल। सो गाइज, हमारी आज की इस वीडियो में जो ये पपीज हैं काफी यूनिक कलर में है, बट अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को सिर्फ फीमेल ही मिल पाएंगी, मेल ऑलरेडी सेल हो चुके हैं। तो अगर आप लोग पिटबुल डॉग लवर हैं और इन पपीज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। आगे मैं आप लोगों को इनकी हर एक वो इन्फॉर्मेशन दूंगा जो इन्हें परचेज करने से पहले आप लोगों के लिए जानना काफी जरूरी है, क्योंकि गाइज जब तक आप लोगों को ये नहीं पता लगेगा कि ये डॉग आप लोगों के लिए सही है या फिर नहीं, तब तक वीडियोस देखने का कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे चैनल्स देखे हैं जो डॉग्स की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देके वीडियोस को खत्म कर देते हैं, बट फिर भी आप लोगों के माइंड से वो कन्फ्यूजन खत्म नहीं होती कि क्या ये डॉग हमारी फैमिली के लिए सही रहेंगे या फिर नहीं। बट मैं हमेशा यही ट्राई करता हूँ कि आप लोगों के सभी डाउट्स को क्लियर करूँ और आप लोगों को बताऊँ कि आपकी फैमिली के लिए कौन सा डॉग बेस्ट रहेगा। तो गाइस, एक टाइम था जब पिटबुल के नाम से ही लोग बहुत डरते थे कि भाई इनके घर पे पिटबुल है, वहाँ मत जाना, कहीं ये अटैक ना कर दे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बट पिटबुल बहुत ही अच्छे गार्ड डॉग्स होते हैं, तो ऑब्वियसली ये स्ट्रेंजर्स के ऊपर बात तो करेंगे ही, बट ये डॉग्स अपनी फैमिली के लिए बहुत ही लॉयल, फ्रेंडली और प्लेफुल होते हैं। ये कभी भी अपनी फैमिली को हार्म नहीं पहुंचाते। इवन मेरे पास कुछ पिटबुल तो ऐसे आए थे कि उनके ओनर उन्हें इसलिए सेल कर रहे थे कि वो सबके साथ बहुत ही फ्रेंडली थे, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हो या फिर स्ट्रेंजर्स। एनीवेज गाइस, अगर इन पपीज के बारे में बात करें तो क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छे हैं, और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये इन पपीज की मदर है जो काफी अच्छी क्वालिटी में है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ब्रिंडल कलर बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, तो अगर आप लोग भी उनमें से एक हैं तो आप लोग इन पपीज को परचेज कर सकते हैं। और गाइस, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये इन पपीज के फादर हैं, तो क्वालिटी दोनों की काफी अच्छी है और पपीज का कलर भी एक मदर के ऊपर है तो दूसरा फादर के ऊपर। पिटबुल को अगर आप लोग अच्छे से सोशलाइज और कंस्टेंटली ट्रेंड करोगे तो इनसे बेस्ट डॉग आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। और दोस्तों, बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए पिटबुल बिल्कुल भी सही नहीं है, बट मैं कहता हूँ कि फर्स्ट टाइम ओनर्स भी इन्हें आराम से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पिटबुल बहुत ही प्यारी डॉग ब्रीड है। जिनके पास ये डॉग्स हैं उन्हें इस बात का अच्छे से पता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर इन पपीज की एज के बारे में बात करें तो ये 50 डेज के हो चुके हैं और इनकी जो लोकेशन है वो है चंडीगढ़। अगर बात करें इनकी डिलीवरी के बारे में तो ओनर आप लोगों को आसपास के एरियाज में डिलीवरी अवेलेबल करा देगा, बट जो डिलीवरी का चार्ज होता है वो पपीज के प्राइस से एक्स्ट्रा होता है, तो उसके लिए आप लोग डॉग ओनर से जरूर डिस्कस करें। पर अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल है इन पपीज को डायरेक्ट विजिट करके परचेज करना तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। तो फाइनली बात करते हैं इन पपीज के प्राइस के बारे में। तो दोस्तों, ये दोनों ही पपीज फीमेल है और ओनर ने जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो के 9,000 रुपीज, यानी 9,000 रुपए। प्राइसिंग में आप लोगों को थोड़ा बहुत डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, बट ये कंफर्म नहीं है कि वो आप लोगों को कितने तक मिल सकता है, तो उस चीज के लिए आप लोगों को खुद ही अप्रोच करना होगा। तो दोस्तों, अब आप लोग मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि इन पपीज की क्वालिटी और इनका प्राइस आप लोगों को कैसा लगा। अगर वीडियो जरा सी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। तो जल्दी मिलते हैं हमारी एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो तब तक के लिए गुड बाय।